तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओस्मोसियंस के बारे में, जो कि ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अल्टीमेट सीरीज तक जो ओस्मोसियंस का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम ही क्लियर था, एकदम ही साफ था। लेकिन ओमनीवर्स में आने के बाद जो केविन है उसकी हिस्टोरी को लेकर काफ़ी सारे राज खोले गए, उसकी ज़िंदगी को एक झटके में चेंज कर दिया और हमें कन्फ्यूज कि आखिर केविन असल में क्या है, कौन है ये और ओस्मोसियंस है क्या। तो आज ये सब जानेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अब से जो वीडियोस की क्वांटिटी होगी उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि मेरी एग्जाम्स आ रही है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना है। मतलब वीडियोस आते तो रहेंगे लेकिन क्वांटिटी पहले जितनी नहीं होगी। मतलब एक दिन में 10 वीडियो के बदले अब 7 से 3 या 4 ही हो पाएंगे। और गाइज, मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पहले मैंने काम बीच में छोड़ दिया था तो मेरे जो चैनल की व्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, मेरे चैनल की आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने काम फिर से शुरू कर दिया है, इसलिए मेरी चैनल वापस से थोड़ी लेवल में आ गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार ऐसा कुछ भी होता है तो तुम लोग संभाल लो यार, वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखो और जितना हो सके शेयर करो। कुछ भी करके जो चैनल का व्यू है उसे कम मत होने दो। वैसे भी मैं एग्ज़ाम का कभी टेंशन लेता नहीं हूँ, इससे पहले भी कई एग्ज़ाम आई है लेकिन मैंने कभी भी उसका जो इफेक्ट है वो चैनल पे नहीं पड़ने दिया, लेकिन इस बार प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। इस मुझे जो कहना था वो कह दे चुका हूँ, अब वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे की बात करेगा मेरा पास्ट सेल्फ स्टार्ट, इट्स टाइम टू बीइंग अमेज। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ओस्मोसियन है वो कोई एलियन स्पीसीज नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमंस ही है। इसके अंदर एक यूनिक जेनेटिक कंपोनेंट होता है जो हर ओस्मोसियन को उसकी अलग एबिलिटी देता है। इक्वली हर ओस्मोसियन के पास उसकी अलग एक खास एबिलिटी होती है और इसी से वो सुपर ह्यूमन बनते हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो जैसे मार्वल में सुपर ह्यूमंस होते हैं, डीसी में मेटा ह्यूमंस होते हैं, उसी तरह ओमनीवर्स में ओस्मोसियंस होते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक खास एबिलिटी वाले सुपर ह्यूमंस होते हैं। और इनका जो देखा वे वो उनके पेरेंट्स पर निर्भर है। जैसे केविन ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसा ही लगता है, जबकि गटर बॉय और पोर्क्यूपाइन जो कि ह्यूमनॉइड अर्थ के एनिमल जैसे लगते हैं, उन्होंने कहा भी था कि वो अपने पापा जैसे दिखते हैं। ये होते आम इंसान जैसे, ये बस ही 1000 साल तक जी सकते हैं और 100 सालों बाद इनके फोर हेड पर ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कलर्ड हॉर्न्स आ जाता है। हर ओस्मोसियन की अपनी खुद की एक एबिलिटी होती है, जैसे माइकल मोनिक्सा की एबिलिटी है कि वो किसी भी एनर्जी को सोख सकता है, जैसे मैना, इलेक्ट्रिसिटी और किसी भी जिंदा इंसान की लाइफ फोर्स। ऐसा इसने किया भी था अपनी हाई स्कूल की लड़कियों के साथ, वो उन्हें एक ज़ॉम्बी बना दिया था। और तो तुमने नैन्सी जेन को तो देखा ही होगा, वो भी एक ओस्मोसियन है। उसकी एबिलिटी है कि वो कैच को कंट्रोल कर सकती है सिर्फ रुख को छोड़ के, क्योंकि रुख कैच जैसा दिखता है नहीं। और केविन की बात करें तो वो किसी का भी डीएनए मेटल इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। केविन का जो डीएनए है वो इतना खास है कि उसके डीएनए की मदद से किसी एक एलियन की पावर को एक नॉर्मल ह्यूमन को दी जा सकती है। ओस्मोसियंस नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे केविन अच्छे खासी अपनी कार को लिफ्ट और थ्रो कर सकता है विथआउट मेटल एब्जॉर्प्शन के, और इन्हें इंजरी भी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए केविन ऐसे ऐसे फिजिकल डैमेज से बच गया है, उन्हें सह गया है, जो कि एक एवरेज ह्यूमन को हॉस्पिटल में पहुंचा दे। यहाँ पर बात हो रही है ओस्मोसियंस की, तो इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इनकी सोखी गई एनर्जी या मेटल से नहीं आती। केविन ही नहीं बल्कि सभी ओस्मोसियंस में ऐसी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है। ये तो अगर वो किसी चीज़ को सोखते हैं तो बस उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ओस्मोसियंस अपने हाथ के जरिए एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपने आप को हील करना और एनर्जी ब्लास्ट जैसी चीज़ें कर सकते हैं। इन्हें एनर्जी सोखने से इनकी इंजरीज जल्दी हील होती है। ओस्मोसियंस अपने आप को ट्रेन करते हैं अपने एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर काबू कैसे करना है और उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्चार्ज कैसे करना है, उन सब पर ट्रेन करते हैं। फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही है, वो तुम आगे जानोगे। और कोई भी ओस्मोसियन मेटल को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी के मोलेक्युलर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, जैसे केविन और एग्री को करते हैं। हालांकि ये किसी भी एनर्जी या डीएनए को यूज़ करते हैं तो सिर्फ उसकी ताकत का 10वां हिस्सा ही गेन कर पाते हैं, और जो एनर्जी या पावर ये एब्जॉर्ब करते हैं उस पर से ही उनका जेनेटिक म्यूटेशन होता है। जैसे केविन ने ऐसा किया था तो कुछ इस तरीके से बन गया था। अगर एक ओस्मोसियन एक साथ 2 या उससे ज़्यादा या कई सारे एलियंस को एब्जॉर्ब करता है और उन सब का डीएनए उन पर हावी हो जाता है, तो उन सभी का डीएनए इस पर हावी होने लगता है, लेकिन फिर भी इनकी स्ट्रेंथ 10वां हिस्सा ही रहती है। हाँ, पर इसके बाद वो सभी के एबिलिटी का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सालों तक ऐसे ही फ्यूजन फॉर्म में रहे तो वो इवॉल्व भी हो जाते हैं, जैसे कि केविन 11,000। जब ये म्यूटेट होते हैं तो वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में मुश्किल से आ पाते हैं, और एक नॉर्मल ओस्मोसियन अगर म्यूटेट हो जाए तो वो पागल हो जाता है, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा हरिश्चंद्र की औरत क्यों ना हो। लेकिन हमें केविन में एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला कि उसने जो ओमनीवर्स में अपने आप को काबू में रखा और वापस अपनी मर्जी से नॉर्मल हुआ। हाँ, इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस भी बहुत चाहिए होता है और वो अपने केविन के पास भर भर के है।
अब थोड़ी वीकनेस के बारे में जान लिया जाए तो हर ऑस्मोशन की अपनी वीकनेस होती है। जैसे हर ऑस्मोशन का डीएनए अलग होता है वैसे उन सब की वीकनेस भी अलग होती है। केविन अपने आप से काबू खो बैठा है। और एल्बिडो, हे एल्बिडो कैसे ऑस्मोशन? हाँ भाई, एल्बिडो भी ऑस्मोशन ही है। मैंने कहा ना, जैसे मेटा ह्यूमन वैसे ही ऑस्मोशन। अब एल्बिडो का डीएनए भी चेंज हो गया है, वो भी सुपर ह्यूमन उर्फ ऑस्मोशन है क्योंकि वो बिना ओमनिट्रिक्स के ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बस ये उन रूपों को मेंटेन नहीं कर पाता और कुछ टाइम बाद वापस से ह्यूमन बन जाता है। और एक वीकनेस जो कि सभी ऑस्मोशन में कॉमन होती है और वो होती है भूख, एनर्जी की, जो इन्हें मेंटली अनस्टेबल कर देते हैं। हाँ, ये तब नहीं होगा जब उनके पास एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को केविन की बैक हिस्ट्री को लेके भी कन्फ्यूजन होगा तो उसे मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि बहुत छोटा ही होगा। तो आज के लिए तो ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मिलते हैं अगले के साथ, तब के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी अमेजिंग।